तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि ये क्या करें। एक अच्छा सा क्वेश्चन है और इसको हम लोग करते हैं। इन ए एलसी ऑसिलेटर, इफ द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बीकेम ट्वाइस एंड एट टाइम्स रिस्पेक्टिवली, देन रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर बीकेम एक्स टाइम्स इज इनिशियल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट वैल्यू ऑफ एक्स। देखो, एक एलसी ऑसिलेशन सर्किट है, मतलब एक इंडक्टर है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है। तो इस सर्किट को हम एलसी ऑसिलेशन करते हैं, सी है और एल है। तो जब रिजोनेंस होता है तो एट रिजोनेंस अगर रिजोनेंस होगा तो यहाँ से तुम देखोगे तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है रिजोनेंस में, वन अपॉन एलसी अंडर रूट के इक्वल होता है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगेन जब तुम इंडक्टेंस अगर चेंज करोगे यहाँ से इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो नया इंडक्टेंस एल कितना हो जाएगा भाई? ये कह रहा है कि नया इंडक्टेंस टू, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस टू एल, और कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटेंस सी डैश की जो वैल्यू होगी वो एट कैपेसिटेंस एट टाइम्स एट सी के इक्वल होगी। तो यहाँ ओमेगा डैश चेंज हो गया होगा, तो ओमेगा डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वन अपान, यहाँ से तुम देखोगे एल डैश सी डैश अंडर रूट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आई होप कि आपको याद होगा ये वाला, तो वन अपान टू एल और मल्टीप्लाइड बाई एट सी, ये सब कुछ अंडर रूट। तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ से बाहर आ जाएगा वन बाई फोर एल सी अंडर रूट और ये वन। तो ये क्या भाई? ओमेगा नॉट अपान फोर। दिस इज द न्यू रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन फोर। तो दिस इज द बेसिकली द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये कितना टाइम्स हो गया, तो कितना टाइम्स पूछे हैं, तो ये एक्स ओमेगा नॉट टाइम्स हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? तो एक्स की वैल्यू यहाँ वन बाई फोर है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू वन बाई फोर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन सही है, बाकी ये सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।